गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के फटाफट सीरीज में टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री जीके के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। यह रहे पहला क्वेश्चन नंबर वन, हु वाज द ग्रैंडफादर ऑफ अशोका। अशोका का जो ग्रैंडफादर है ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। एंड याद रखिए उनका पिता का नाम है बिंबिसार चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि ग्रैंडफादर ऑफ अशोका, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर टू, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर वाज डिफेटेड बाय सेल्यूकस। हु एमंग दी फॉलोइंग रूलर वॉज डिफेटेड बाय सेल्यूकस। ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज डिफेटेड बाय सेल्यूकस। नेक्स्ट नंबर थ्री, हु रोट जनगण मन आदि। ये है रविंद्रनाथ टागोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टागोर। नेक्स्ट नंबर फोर, हु रोट वंदे मातरम। इंपॉर्टेंट है, किसने वंदे मातरम लिखी है। ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी रोड द वंदे मातरम। एंड जो जनगण मन आदि ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन आदि एंड वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट नंबर फाइव, हु रोट वंदे उत्कल जननी। ये एक स्टेट की जो कि स्टेट सॉन्ग है उड़ीसा की। हु रोट वंदे उत्कल जननी, ये जो लिखी है ये है कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र रोड द वंदे उत्कल जननी। नेक्स्ट नंबर सिक्स, वेयर डिड तेबेगा मूवमेंट अकर इन 1946 में। तेबेगा मूवमेंट कौन सी प्लेस में हुआ है, कौन सी स्टेट में 1946 में। ये हुआ है वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट नंबर सेवन, When was Indian National Song was first sung? When was Indian National Song was first sung? कौन सी ईयर में जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है ये पहली बार जो कि बोला गया था, पहली बार सबसे पहला कौन सी ईयर में, 1896। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1896। एंड आपको ये जो 1896 ये हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में ये बोला गया था। 1896 में इंडियन नेशनल सॉन्ग जो है ये बोला गया था। एंड इंडियन नेशनल सॉन्ग वो कौन है, इंडियन नेशनल सॉन्ग जो है ये है, जो कि इंडियन नेशनल सॉन्ग है याद रखिएगा, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। एंड जो कि जनगण मन अधि ये नेशनल एंथम याद रखिएगा, ये 1896 में इंडियन कांग्रेस के सेशन में ये बोला गया था पहले बार। नेक्स्ट नंबर एट, हु रोड द रोमियो एंड जूलियट। ये लिखी है विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विलियम शेक्सपियर रोड द रोमियो एंड जूलियट ये बुक। नेक्स्ट नंबर नाइन, व्हेन वाज इंडियन नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सॉन्ग। याद रखिएगा इंडिया के जो नेशनल एंथम है ये है जनगण मन अधि। ये पहले बार जो व्हेन वाज इंडियन नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सॉन्ग ये है 27 दिसंबर 1911 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। याद रखिएगा नेशनल एंथम जो फर्स्ट सॉन्ग की गई थी ये है 1911 27 दिसंबर कलकत्ता में। एंड ये लिखी गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट नंबर टेन, हु वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द मौर्य एम्पायर की जो कि पहला एम्पायर ये है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अशोका का ग्रैंड फादर है याद रखिएगा, बिंबिसार का पिता, जो कि याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द मौर्य एम्पायर। एंड उनका गुरु का नाम आपको पूछे तो याद रखिएगा कौटल्य, जो कि चाणक्य नाम से जाना जाता है, कौटल्य।
और उनके नाम से एक भी बुक रहे कौटिल्य नाम से, जो कि अर्थशास्त्र कौटिल्य उनकी एक बुक है, फेमस बुक है। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य की पहला एम्पायर है। नेक्स्ट नंबर 12, सेपोई म्यूटेन वॉज हेल्ड ऑन व्हिच ईयर? सेपोई म्यूटेन वॉज हेल्ड ऑन 1857। याद रखिएगा 1857, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1857 ये ब्रिटिश के अगेंस्ट में हुआ था, याद रखिएगा 1857 सेपोई म्यूटेन हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डिड द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद फौज टेक प्लेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डिड द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद फौज के जो फॉर्मेशन हुआ था, सिंगापुर में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सिंगापुर। एंड ये जो फॉर्म की गई थी ये किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये फॉर्म की गई थी आजाद हिंद फौज, एंड ये फॉर्मेशन हुआ था सिंगापुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 14, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हु डिफेटेड मराठा? हु डिफेटेड मराठा, ये है अफगान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अफगान। याद रखिएगा जो ये जो बैटल ऑफ पानीपत रहे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत जो कि ये डिफेटेड मराठा, जो कि मराठा के द्वारा डिफेटेड की थी अफगान ने, अफगान ने जो कि मराठा को डिफेट की थी। एंड याद रखिएगा जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 बाबर एंड लोधी के बीच, सेकेंड हुआ था 5 नवंबर 1556 अकबर एंड हेमू के बीच, एंड तीसरा रहे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो रहे थर्ड, ये हुआ था मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर के बीच, मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर के बीच, जो दुरानी अफगान की रहे, एंड जो ओन की थी वो है दुरानी एम्पायर, या देखिए दुरानी एम्पायर जो कि ओन की थी। एंड ये हुआ था 14 जनवरी 1761 में, 14 जनवरी 1761 ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सो याद रखिए फर्स्ट बैटल ये है 21 अप्रैल 1526, सेकेंड 5 नवंबर 1556, थर्ड हुआ मराठा एंड दुरानी के बीच जो कि 15 जनवरी 1761 में। नेक्स्ट नंबर 15, व्हाट वॉज द नेम ऑफ हर्ष कैपिटल? ये है कन्नौज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कन्नौज। नेक्स्ट नंबर 16, हु ओन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? अभी करेंटली हमने डिस्कस की, हु ओन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये है दुरानी एम्पायर जो कि अफगान के रहे, अफगान के जो कि डिफेट की थी मराठा को, मराठी एम्पायर को, एंड ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जो कि 1761, याद रखिएगा 14 जनवरी में दुरानी एम्पायर ने जो कि ओन की थी। नेक्स्ट नंबर 17, व्हाट वाज द नेम ऑफ द चाइनीज पिलग्रिमेज हु विजिटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द चाइनीज पिलग्रिमेज हु विजिटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन के समय में? ये है ह्वेनसांग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ह्वेनसांग, जो कि चाइना था, चाइना का था ये, जो कि चाइना का पिलग्रिम हु चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन, ह्वेनसांग। नेक्स्ट नंबर 18, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग व्हिच पीरियड? ये याद रखिएगा 3000 to 1500 BC में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 3000 to 1500 BC में हुआ था। नेक्स्ट नंबर 19, द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स पीक अंडर द रूल ऑफ व्हिच एम्पायर? द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स पीक में पहुंच गए थे कौन से रूलर के समय में, कौन से एम्पायर के समय में? अकबर के समय में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अकबर के समय में। नेक्स्ट नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, हमने ये सभी क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में डिस्कस कर लिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। नंबर 20, बैटल फील्ड ऑफ पलासी रहे, पलासी इज इन व्हिच स्टेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटल फील्ड ऑफ पलासी इज इन व्हिच स्टेट? ये वेस्ट बंगाल में रहे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और डेली करंट अफेयर भी डिस्कस की जाती है इसी चैनल में। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय जगन्नाथ।